अपना स्टोर यहाँ पे लेके रखा हुआ है। तो जो दरख्त है ना यहाँ पे, मेरे को दरख्त बड़े मस्त लगते हैं। देखो बिल खड़े हैं यहाँ पे रोड पे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके। तो यहाँ पे अपना कंपनी ये वाली, तो ये कंपनी है इंडियन की, कोई बॉम्बे से यहाँ पे बिजनेस रन कर रहा है अपना स्क्रैप। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज हम आपको इस ब्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे मलेशिया का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं, कि यहाँ पे कितनी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी है। वैसे एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता कि कितनी कंपनी है और किस किस रिलेटेड कंपनीज हैं। तो आपको पूरे का पूरा जो ब्लॉग है वो इसकी ही रिलेटेड होगा, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे आपको जो टूरिस्ट प्लेस है ना वो भी दिखा दिए हैं। तो हमने जो मलेशिया के इंडस्ट्रियल एरिया जिस साइड हम काम करते हैं सेलंगोर में, तो उसका आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो लेट्स सी। तो जो ये वाला है गाइस, ये भी हमारी कंपनी ने ले रखा है, गैरेज बोल दे रहे हैं इसे, स्टोर है ये। तो ये CHS का ही है। तो जितना भी मटेरियल उतरता है ना हमारी कंपनी में, तो ये यहाँ पे उतर जाता है। तो फिर यहाँ से ये लोड करके कंपनी में लेके जा देते हैं। तो ये जो रोड है ना, ये यहाँ पे आके हो जाता है बंद। आप देख सकते हो कि ये पूरे का पूरा रोड यहाँ पे हो रखा है बंद। एयर मास्टर, ये एयर मास्टर की एक कंपनी है। इसमें वैसे हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या बनता है, कंटेनर वैसे खड़े हैं, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे भी कोई चीज़। हाँ तो ये देखो कंटेनर, इनमें क्या कहते हैं ना, जो लेबर होते हैं बेचारी वो सोती है यहाँ पे। तो ये कंपनी है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाता है बंद। तो इसके आगे भी ना एक कंपनी, अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये देखो मेरे को नहीं दिख रहा, दिखा मतलब कि आ नहीं रहा, मेरी इतनी बाजू नहीं है। तो ये देखो ये सामने कंपनी तो खुली होगी, मतलब कि यहाँ पे हो रखा है बंद, नहीं तो आपको एक्सप्लोर करके दिखाते। ये देखो सारे का सारा यहाँ पे बंद पड़ा है। तो अभी आपको सारे का सारा हम एक्सप्लोर ही करेंगे। ये देखो सामने ये भी है, ये भी कंपनी है। अलग अलग मतलब कि हर एक कंपनी ने अपना अपना स्टोर यहाँ पे लेके रखा हुआ है। तो जो दरख्त है ना यहाँ पे, मेरे को दरख्त बड़े मस्त लगते हैं। ये देखो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से दरख्त हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने काट दिए हैं। इनकी शाही ऐसी लगती है ना, जैसे हमारे इंडिया में वो होती है पिलखन होती है, सेम एज इट इज़ होता है। अगर आपको दिख रहा हो ना, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है और धूप भी निकली हुई है। यहाँ पे वेदर का इतना ज़्यादा वो नहीं, भरोसा नहीं होता। तो ये प्रधान जी खड़े हैं अपनी बाइक पे, आ जाओ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना वो पीछे जूम करके, ये देखो यहाँ पे भी ना एक कंपनी है। तो कंपनी है यहाँ पे, पर हम जा नहीं सकते उस साइड, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी कंटेनर से खड़े हैं, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे रेलवे के डब्बे नहीं होते, वो है वहाँ पे, वो ही है अभी जैसे रेल के डब्बे नहीं होते गाइस, वो चीज़ बढ़िया आई थिंक। वो देखो मेरे को तो वही चीज़ लग रही है। बाकी ये यहाँ पे तो ज़्यादातर केमिकल की कंपनी है, ज़्यादातर गाइस जो केमिकल नहीं होता वो केमिकल की ज़्यादा कंपनी है यहाँ पे। एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये भी कंपनी है, ये भी AER है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये भी इनकी छोटी सी कंपनी है। तो यहाँ आपको ये देखो, ये ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगी वैरायटी। मुझे मार रही है अब ये, जो क्या कहते हैं डॉग्स हैं इंडिया की, जैसे इंडिया में होते हैं ना, तो इंडिया में ये होता है कि हम जैसे उन्हें रोटी डाल देते हो ना, चावल डाल दो या बिस्किट डाल दो, या उनकी खुद की है ना वो डाइट होती है वो डाल दो उन्हें, तो वो खा लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम रोटी वगैरह डाल देते हैं तो रोटी नहीं खाएंगे, ज़्यादातर ये क्या खाएंगे, मीट मच्छी मतलब कि चिकन जितना मर्जी दे दो उन्हें, वही चीज़ खाते हैं। तो एक ये रही गाइस कंपनी, देखते हो ये भी इंडस्ट्रियल एरिया ही है सारे का सारा है। हाँ तो गाइस जो ये कंटेनर है ना, इनमें जो लोग हैं वो सोते हैं यहाँ पे, उनके छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, जैसे कंपनी वाले प्रोवाइड कर देते हैं ना रहने के लिए वो चीज़, वो सारी की सारी। एक चीज़ मैं आपको, वहाँ पे जो यहाँ पे जा रहा है ना, वो देखो वहाँ पे सामने की तरफ वो वाला, इधर जा रही मेरी उंगली दिख रही है, वो देखो वो रोड जा रहा है वहाँ उस साइड सामने, तो वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो यहाँ ना ये देखो अभी इनका हो गया ब्रेक, तो ये ब्रेक पे सारे के सारे जाने लगे हुए हैं, तो इनकी ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी। तो गाइस तो ये वाले हैं ना जो ड्रम से इनमें रखा हुआ है केमिकल, तो ये भी केमिकल की कंपनी आप देख सकते हो, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, तो यहाँ पे भी केमिकल बनता है। तो अगर आपको और दिखाऊँ, जो ये सामने है ना कंपनी प्लस गार्ड, तो इसमें भी आई थिंक केमिकल वगैरह ही बनता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पे केमिकल वाली हैं, जो हमारी वाली ये कंपनी है ना उसमें होता है स्टील मैन्युफैक्चर का, उसमें प्लेट्स वगैरह बनती हैं, प्लाज्मा हो गया, पेन स्टॉक हो गया, और काफ़ी और भी रिलेटेड मटेरियल बनता है, जैसे कि क्या कहते हैं लोहे का हो गया ना, आयरन प्लेट्स होगी, वो सारी की सारी। कुत्ता आ गया। तो गाइस ये तो आगे थे मेरे को काटने के लिए, देखो ये देखो ये मेरे को। तो गाइस ये सारी की सारी जितनी भी कंपनियां ना, वो केमिकल की कंपनी आप देख सकते हो, जो हमारी वाली कंपनी है वो है हमारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की। और
तो एक ये है गाइस कंपनी अली मेक ग्रुप, तो इन्होंने दोनों झंडे लगा रखे हैं मलेशिया के। तो अभी हम जस्ट करते जा रहे थे छोटा छोटा ब्लॉग, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका। तो ये है कंपनी गाइस, तो इधर भी ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी केमिकल की ही कंपनी है, आप देख सकते हो। तो गाइस जो हमारी कंपनी है वो सबसे अलग दिख रही है, CHS एंड AFC, आप देख सकते हो। ये हमारी कंपनी रही CH और आगे रही AFC। हम दोनों खड़े हैं यहाँ पे रोड पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अलग अलग है ना कंपनियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया सारा के साथ स्टेप हो रखा है। तो ये आ नहीं रहा था कैमरे में, कह रहा है कि मेरे पास आज कैप नहीं है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कौन सा हीरो है। यहाँ पे ना ऐसी लोरियाँ आती हैं, ये भी केमिकल के लेके जाएंगे। ये देखो ये सारे का केमिकल पड़ा है, तो ये केमिकल यहाँ पे होगा लोड। तो ये चीज़ें ये देखो सारी की सारी। ओ गाइस, तो ये था छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया का ओवरव्यू जो मैंने आपको इस ब्लॉग में कराया है। तो ये है मलेशिया का इंडस्ट्रियल एरिया। तो गाइस ये है मेरी कंपनी का सारा मटेरियल जो आपको पहले भी दिखाया था ना, ऑर्डर आया हुआ है ना इनका चेकिंग का, टेस्टिंग का। तो अभी इनकी टेस्टिंग चल रही है, अभी इनकी जो टेस्टिंग है वो पास नहीं हुई, तो अभी जस्ट ये टेस्टिंग के लिए खड़े हैं। तो और एक चीज़ आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमारी कंपनी में ना यहाँ पे शेड डलना है, तो उसके लिए इन्होंने ये प्रिपेयर कर दिया। ये देखो तो यहाँ पे डलेगा शेड, पहले है नहीं था ये, अगर आपने देखा होगा ब्लॉग पहले वाला। तो ये देखो जो हमारी कंपनी है वो भी काफ़ी बड़ी है, ये AFC है, वो आगे आगे CHS। तो गाइस जो सामने देख रहे हो ना कंपनी ये वाली, तो ये कंपनी है इंडियन की, कोई बॉम्बे से यहाँ पे बिजनेस रन कर रहा है अपना, स्क्रैप का बिजनेस अपना रन कर रहा है। तो सारे के सारे जो यहाँ पे वर्कर हैं वो साउथ इंडियन रखे हुए हैं, बंगले रखे हुए हैं। तो मैंने भी आई थिंक वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं अगर मेरा हो जाता है वहाँ पे तो फिर मैं जाऊँगी उस कंपनी में। है तो ये भी कंपनी सही है, बट वहाँ पे थोड़ा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडियन है जिस बंदे की ये कंपनी है सामने स्क्रैप की, तो ये भी सामने गाइस कंपनी है एक, ये अभी मतलब कि बन रही है कंपनी। तो अभी यहाँ पे वैसे कंपनी आने वाली है, इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये जो सामने आपको दिख रही है ये भी केमिकल की ही कंपनी है, ये साउथ इंडियन की है किसी की। तो गाइस आज हमने आपको एक्सप्लेन किया है जो मलेशिया का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अभी जो हमारी है वो होगी छुट्टी ऑफिस की, तो अभी जा रहे हैं हम अपने घर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ का भी व्यू दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे सोसाइटी है गाइस, तो इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे साफ़ सफाई इतनी है नहीं अगर देखा जाए तो, यहाँ पे तो है वैसे थोड़ा सा साफ, लेकिन आगे ना बहुत गंदा है। ये भी सोसाइटी है, नहीं बनी है यहाँ पे। तो गाइस ये सामने छोटी सी मार्केट है, आप देख सकते हो छोटी सी ये मार्केट। और अगर मैं आपको बताऊँ मलेशिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम हो रखा है 7 बज गए शाम के, और धूप देखो कितनी पड़ी है यहाँ पे, और दोपहर में बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अभी देखो धूप कितनी तिखी निकल गई। ऐसे लग रहा है कि जैसे शाम के 4 बजे हों या 3:30 हुए हों, देखो धूप कितनी पड़ी है, पूरी माथे में लग रही है लाइट हो देखो। तो ये गाइस रोड है हमारा जिस तरफ हम जाते हैं, तो क्रॉस करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। ये देखो ये भी कंपनी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, ये भी ये सारे का सारा भी इंडस्ट्रियल एरिया है। और जो दरख्त है वो यहाँ से काट दिए हैं, पहले बहुत ज़्यादा दरख्त थे यहाँ पे, पता नहीं उन्होंने क्यों काट दिए। और ये जो ये वाला एरिया गाइस वो है ट्रक यूनियन, ये है ट्रक यूनियन यहाँ। तो गाइस ये है छोटी सी मार्केट जहाँ हम डेली, जैसे कि हमारे घर में कुछ नहीं होता है ना तो यहाँ से हम लेने आ जाते हैं। ये सामने फ्लाइट है, अब देख सकते हो ये भी छोटा सा रोड है, चल तो ये छोटा सा रोड है यहाँ पे, जाना नहीं है चलो घर का नहीं। हाँ तो ये छोटा सा रोड है, और यहाँ पे दुकानें हैं, और जो ये स्टॉल लग रखे हैं ना, तो यहाँ पे चिकन वगैरह, चिकन बर्गर, चिकन नूडल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे सोसाइटी रहती है ना तो वो खाने आते हैं जो फ्लाइटों वगैरह में रहते हैं। तो ये सारे के सारे फ्लैट हैं यहाँ पे, और फ्लाइटों के बीच में वो है क्या कहते हैं मार्केट है। तो
वो भी जा रहे हैं हम अपने घर। तो आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उससे पहले गाइस, अगर आपको कोई और चीज़ देखनी है मलेशिया की तो वो भी बताना, तो हमारी कोशिश रहेगी हम उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे आने वाले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे करते हैं एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।